हाय डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ने वाले हैं डीप एक्सकवेशन। और डीप एक्सकवेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि डीप एक्सकवेशन में क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए, कंटेंट आपके सामने है डीप एक्सकवेशन में। तो टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन पहले तो हम देख लेते हैं, फिर बाद में डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप एक्सकवेशन के बारे में देख लेंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टिम्बरिंग, फिर मेंबर यूज इन टिम्बरिंग कि कौन कौन से मेंबर जो टिम्बरिंग में यूज करते हैं, फिर मेथड टिम्बरिंग, डेफिनेशन डीवाटरिंग, नेसेसिटी डीवाटरिंग और रिक्वायरिंग डीवाटरिंग के बारे में हम देख लेंगे कि ये सब के बारे में टॉपिक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन एक एक जो कंटेंट मैंने दिखाया आपको, वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम देखते जाते हैं। आगे पॉइंट में देखेंगे तो एक्सकवेशन जो होता है वो दो तरीके से एक्सकवेशन होता है। यहाँ पे अगर आप फिगर में देख सकते हैं, दो तरीके का एक्सकवेशन है, एक तो डीप एक्सकवेशन है, दूसरा शैलो एक्सकवेशन है। डीप एक्सकवेशन क्या होता है कि व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज मोर देन विड्थ ऑफ एक्सकवेशन इज कॉल्ड एज अ डीप एक्सकवेशन। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि डीप एक्सकवेशन वो होता है जो उसका एक्सकवेशन जो होता है, उसका डेप्थ जो एक्सकवेशन का डेप्थ जो होता है वो मोर होता है किसके, विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, जो एक्सकवेशन का विड्थ है, ठीक है। उसके बाद शैलो एक्सकवेशन होता है जो उसका डेप्थ होता है वो लेस होता है और इक्वल होता है विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन, तो उसको शैलो को बोला जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इतना डेप्थ में इस तरीके से डेप्थ हुआ है और ये जस्ट ऊपरी लेवल पर का है, इसको शैलो एक्सकवेशन बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस में देखिए, पहला डिफरेंशिएट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या बोला है, जो मैंने आगे पहला ही डेफिनेशन बताया कि जो डेप्थ होता है शैलो का वो क्या होता है, लेस और इक्वल विड्थ के होता है, विड्थ के होता है। और यहाँ डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन क्या होता है, मोर देन विड्थ होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज लेस देन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से कम डेप्थ का होता है तो समझ लेना कि वो शैलो एक्सकवेशन है। फिर 1.5 से ज़्यादा होता है तो नॉर्मल वो क्या होता है, नॉर्मली डीप एक्सकवेशन होता है। थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो शैलो एक्सकवेशन में नो टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस इज रिक्वायर्ड, टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और इसमें टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस रिक्वायर होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें देखा जाए तो नॉर्मली नो डीवाटरिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उस शैलो लेवल पे होता है और इसमें डीवाटरिंग रिक्वायर्ड होता है क्योंकि डेप्थ लेवल होता है, वाटर सैचुरेटेड, एक्सेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड वाटर आ जाता है, तो इसलिए डीवाटरिंग करने की पड़ती है। डीवाटरिंग मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड सॉइल से जो एक्सेस अमाउंट वाटर होता है उसको निकालने को ही बोला जाता है डीवाटरिंग। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिम्बरिंग, जो टिम्बरिंग करते हैं डीप एक्सकवेशन। देखो हमारा ये जो चैप्टर है वही है डीप एक्सकवेशन। तो डीप एक्सकवेशन में टिम्बरिंग इंपॉर्टेंट होता है और टिम्बरिंग कि इंपॉर्टेंस क्या है वो आगे हम देख लेते हैं। वन बाय वन टिम्बरिंग के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या बोला है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द एक्सकवेटिंग लेबर, जो डीप एक्सकवेशन करने वाले लेबर हैं, उसमें काम करने वाले लेबर हैं, उसकी सेफ्टी के लिए टिम्बरिंग प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फॉर सेफ्टी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पर एक्सकवेट कर रहे हैं उससे एडजॉइनिंग कोई स्ट्रक्चर है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी टिम्बरिंग जरूरी होता है। फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड ट्रैफिक पासिंग नियर द एक्सकवेशन, अब उसके नियर कोई ट्रैफिक है पास हो रहा है, कोई व्हीकल्स पास हो रहे हैं, कोई पीपल्स जा रहे हैं और टिम्बरिंग नहीं किया गया है तो फिर बाद में वो उसके अंदर गिर के लॉस भी उनको, मतलब इंजरी भी हो सकता है, इसलिए रिक्वायरमेंट होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि फॉर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक सर्विस लाइन, लाइक में देख सकते हैं टेलीफोन केबल्स, वाटर सप्लाई पाइप, इलेक्ट्रिक केबल, ड्रेनेज ETC, ये सारे प्रॉपर तरीके से अच्छे से रहें, इनकी सेफ्टी के लिए, जो ये पब्लिक सर्विस लाइन बोला गया है, पब्लिक सर्विस लाइन की सेफ्टी, मतलब इस टाइप की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस होता है टिम्बरिंग करना। जब भी डीप एक्सकवेशन हो रहा है तो उसमें इस टाइप के सेफ्टी की रिक्वायरमेंट अगर करनी है तो आपको टिम्बर्स की इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं, आगे बोला है कि मेंबर यूज इन टिम्बरिंग, कौन कौन से मेंबर हैं जो यूज़ किए जाते हैं टिम्बरिंग में, तो वो देख लेते हैं। पहला होता है पॉलिंग बोर्ड। पॉलिंग बोर्ड क्या होता है, वर्टिकल बोर्ड विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द साइड ऑफ द ट्रेंचेस इज कॉल्ड पॉलिंग बोर्ड। इसका मतलब सपोज डेट कि मैं ऐसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ड्रॉ करके,
अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि इस तरीके से अगर मैंने ट्रॉक, ये आपका एक्सकवेशन है, तो इधर की जो मिट्टी है, ये सॉइल है, ये इसके अंदर गिरने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो ये गिरे ना, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये सॉइल जो है वो गिरे ना, तो यहाँ पर वर्टिकली जो प्रोवाइड किया जाता है इस तरीके से वर्टिकली, उसी को पॉलिंग बोर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकली लाइन से प्रोवाइड किया जाता है, ये इसके साथ अगर कोई प्लैंक जुड़ जाता है, कोई प्लैंक इसके साथ लगा रहता है जो कॉन्टैक्ट सॉइल के साथ होता है, तो उसको बोला जाता है सीटिंग, जो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं, सेकेंड नंबर पर जो बोला है सीटिंग, ठीक है। उसके बाद वेल्स और वालिंग से होता है कि वेल आर हॉरिजेंटल मेंबर परपेंडिकुलर टू पॉलिंग बोर्ड, जो पॉलिंग बोर्ड होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो हॉरिजेंटल होता है, और जो पॉलिंग बोर्ड होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो वेल्स जो बोलें या वालिंग बोलें, वो क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। ये क्या करता है, विच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सीटिंग टू द स्ट्रट, जो सीटिंग के थ्रू जो लोड आ रहा है वो वेल्स क्या करता है, स्ट्रट को ट्रांसफ़र कर देता है, उसका जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है। आगे स्ट्रट देख सकते हैं कि स्ट्रट क्या होता है, अभी वो भी चीज़ में, जैसे यहाँ पर मैंने फिगर आपको बनाया, यहाँ पर ऐसे फिगर बनाया, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए लगाया गया, यहाँ पर सपोर्ट डालने के लिए। और हॉरिजेंटल एक वेल्स होते हैं, ये मतलब हॉरिजेंटल होते हैं, यहाँ पर मैं 3D फिगर नहीं बना रहा, और इसके ऊपर ये जो इस तरह का लगाया रहता है इस तरीके से सपोर्ट जो लगा, इसी को स्ट्रट बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ टिम्बर विच मेंटेन अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉलिंग बोर्ड और वेल्स इज कॉल्ड स्ट्रट। ब्रेसिंग क्या होता है, ये डायगोनल पीस ऑफ टिम्बर होता है, यूज गिव रिजिडिटी टू फ्रेम वर्क इज नोन एज ब्रेसिंग, ये डायगोनल प्रोवाइड किए जाते हैं। और रनर्स क्या होता है, विच टाइप ऑफ पॉलिंग बोर्ड आर कॉल्ड एज ए रनर, मतलब उनके नीचे एक सूज जैसा पहनाया गया रहता है, ऐसे टाइप के जो रहते हैं उनको रनर बोला जाता है। अब ये मेथड है, मेथड देख सकते हैं कि मेथड के क्या क्या है, मेथड्स ऑफ टिम्बरिंग में क्या है, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ टिम्बरिंग मेथड होते हैं। 5 टाइप्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं 5 टाइप्स। एक तो स्टे ब्रेसिंग है, ठीक है, याद कर लेना है, स्टे ब्रेसिंग है, बॉक्स सीटिंग है, वर्टिकल सीटिंग है, रनर्स है, और सीट पाइलिंग है। इस 5 टाइप्स के क्या हैं, ये टिम्बरिंग मेथड है, टिम्बरिंग करने के मेथड है 5 टाइप्स के, कि स्टेप ब्रेसिंग कैसे करते हैं, बॉक्स सीटिंग कैसे करते हैं, वर्टिकल सीटिंग कैसे करते हैं, रनर्स कैसे करते हैं, सीट पाइलिंग करते हैं। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, इन मेथड को यूज किया जाता है, इन मेथड को यूज करके और टिम्बरिंग हम अच्छे तरीके से करते हैं। सब ये अलग अलग कंडीशन के बेस में बताया हुआ कि कैसा कंडीशन से किस टाइप का हम डीप एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो उस टाइप के बेस पे ये अलग अलग टिम्बरिंग के कैटेगराइज किए गए हैं या टाइप्स बनाए गए हैं, कि हर तरीके के जैसा डीप एक्सकवेशन होता है, हर सभी के डीप एक्सकवेशन अलग अलग तरीके से होते हैं, तो सभी के एक्सकवेशन में सेफ्टी अच्छे से रह सके उसके लिए अलग अलग तरीके के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये टिम्बरिंग प्रोवाइड किया गया है। आगे पॉइंट हम देख सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो एक एक जो पॉइंट मैंने बताने वाला हूँ उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टे ब्रेसिंग किया गया है, स्टे ब्रेसिंग किस तरीके से किया है, दिस मेथड इज यूज व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 2 मीटर, मतलब जो डीप एक्सकवेशन कर रहे हैं वो 2 मीटर से ज़्यादा ना हो, तभी हम क्या करते हैं, स्टे ब्रेसिंग टाइप के टिम्बरिंग करते हैं। बॉक्स सीटिंग क्या होता है, दिस मेथड इज यूज व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन डज नॉट एक्सीड 4 मीटर, जब 4 मीटर से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 4 मीटर तक हो तो बॉक्स सीटिंग करते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं वर्टिकल सीटिंग, वर्टिकल सीटिंग के लिए क्या है कि व्हेन एक्सकवेशन डेप्थ इज अप टू 10 मीटर, दिस मेथड इज यूज फॉर, मतलब डेप्थ 10